तो अभी हम समझते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में ये बता रहा है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आर पास्ड टू पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली इफ़ नो आर्गुमेंट इज़ प्रोवाइडेड द फंक्शन कॉल। अभी जैसे आपने देख बता रहा है कि अगर फंक्शन को कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया जाएगा तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास हो जाते हैं। अब वो क्या होते हैं डिफ़ॉल्ट? इट्स पॉसिबल टू असाइन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट टू फंक्शन पैरामीटर। फंक्शन के पैरामीटर को कोई डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का मतलब जो पहले से अगर कुछ नहीं पास किया जा रहा तो ये तो होना ही है। अ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इज़ पास टू द पैरामीटर व्हेन द एक्चुअल आर्गुमेंट इज़ लेफ्ट आउट ऑफ द फंक्शन कॉल। यानी कि अगर कोई एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन का अगर लेफ्ट आउट हो जाता है, नहीं देते, तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हम सेट कर सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स आर यूजुअली लिस्टेड इन द फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। लेकिन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को भी फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग यानी कि फंक्शन डिफाइन करते हुए बताया जाता है। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन बताया जा रहा है void, यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसकी कोई टाइप नहीं है, और इसका नाम रखा है show area। अब यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट रखा है डबल 20.0 और डबल असाइन कर दिया एक और वेरिएबल, उसमें रखा है 10.0। अब ये यहाँ पर इसके आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर दिए गए। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आर लिटरल्स वैल्यूज़ और कांस्टेंट विद एन ऑपरेटर इन फ्रंट ऑफ देम। तो कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो लिटरल्स होते हैं, यानी कि लिटरल्स का मतलब कांस्टेंट होते हैं, या लिटरल्स के लिए कांस्टेंट कर दें, और वो एक आर्ग्यूमेंट के साथ यानी कि इस ऑपरेटर के साथ, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लिखे जाते हैं। अपीयरिंग आफ्टर द डेटा टाइप लिस्टेड इन अ फंक्शन प्रोटोटाइप सिंस पैरामीटर नेम्स आर ऑप्शनल इन फंक्शन प्रोटोटाइप द एग्जाम्पल प्रोटोटाइपिंग कुड ऑल्सो भी डिक्लेयर्ड एज। तो अगर इसको हम इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं विद शो एरिया डबल लेंथ, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आर्ग्यूमेंट के नाम लिखे जाते हैं, जैसे ये लेंथ लिखा गया है, ये विड्थ लिखा गया है, ये ऑप्शनल होते हैं। अगर आप नहीं लिख रहे तो भी वो कंसिडर करेगा कि यहाँ पे एक डबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्योंकि मेमोरी में हो रहा होता है, वो टेम्प्रेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहा होता है। अगर आप उनके नाम लिखते हैं, जैसे इसने यहाँ लेंथ लिख के 20.0 कर दिया और डबल करके विड्थ करके 10.0, तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने तौर पर सही हैं। ये आपके पास ऑप्शन होता है प्रोग्रामर के पास कि अगर वो यहाँ पर पैरामीटर का नाम लिखना चाहता है तो लिख दे, वरना सिर्फ टाइप बता दे, उससे काम चल जाएगा। और अगर वो टाइप के साथ उस पैरामीटर का नाम भी बता रहा है और उसका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी बता रहा है तो भी ये स्टेटमेंट सही है दोनों तरीके से। लेकिन याद रहे, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट उस सूरत में काम करेंगे जब आप कोई पैरामीटर पास नहीं करते, और उनको इन दोनों स्टेटमेंट से प्रूफ किया जा सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट ही इस काम को करने के लिए वैलिड हैं, चाहे आप पैरामीटर के नाम रखें, चाहे आप पैरामीटर के नाम ना रखें, लेकिन ये फंक्शन के अंदर डेफिनेशन बिल्कुल सही कहलाएगी प्रोटोटाइपिंग जो हमने की है। इन बोथ एग्जांपल प्रोटोटाइप फंक्शन शो एरियाज हैज़ डबल पैरामीटर, द फर्स्ट इज असाइन टू द डिफॉल्ट 20 एंड द सेकेंड इज असाइन टू द 10। हियर इज़ द फंक्शन डेफिनेशन। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन बताई गई है कि यहाँ पे डबल करके एक लेंथ और डबल करके विड्थ नाम के दो पैरामीटर डिफाइन किए गए हैं। डबल एरिया, एरिया मालूम करने के लिए लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करके एरिया में आंसर ले लिया। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि डबल एरिया क्या है, ये लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, या लोकल स्टैटिक वेरिएबल है? जल्दी से बता दें चैट बॉक्स के अंदर। किसी ने भी नहीं बताया, चले मैं ही बता देता हूँ, अब बता दिए। वेरी गुड, ये एक लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप इसी फंक्शन के अंदर है। सी आउट करके हमने कहा द एरिया इज, और एरिया की वैल्यू को यहाँ पे आउट कर दिया। चूंकि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसको यहाँ से अवॉइड कर रखा है, तो यहाँ पे इसलिए इस रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। और जैसे ही फंक्शन रन होगा तो इन दोनों का जो कैलकुलेशन होगी वो सॉल्व करके यहाँ एरिया में दिखा देगा। द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेंथ इज 20 एंड द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द विड्थ इज 10। बिकॉज द बोथ पैरामीटर हैव डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, दे मे ऑप्शनली बी ओमिटेड इन द फंक्शन कॉल एज शोन हियर। तो यहाँ पर हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो इनके डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जब ऊपर डिफाइन कर दिए गए हैं, तो ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल इन आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली ये दोनों डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करेगा विद वैल्यूज़, यानी कि लेंथ 20 और विड्थ 10 के साथ। और जब कॉल करेंगे तो उसका आंसर यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा। इन दिस फंक्शन कॉल बोथ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट विल बी पास बाय द पैरामीटर्स लेंथ विल टेक द 20, यही बात बता रहा है, और ये होगा द एरिया इज 20, जो फंक्शन चलेगा तो इस तरह से काम करेगा। द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर ओनली यूज व्हेन द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आर ओमिटेड फ्रॉम द फंक्शन कॉल। यानी कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल उस वक्त ही कारामद होगा जब एक्चुअल फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए जाएंगे। लेकिन इन द कॉल बिलो द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्पेसिफाइड बट द सेकंड इज ओमिटेड,
तो पहला आर्ग्यूमेंट अगर हम पास कर देंगे और सॉकेट ऑर्गमेंट द वैल्यू 12 विल बी पास टू द लेंथ, तो पहले आर्ग्यूमेंट में 20 की जगह पर अब 12 पास हो जाएगा, वाइल द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द विड्थ विल बी रिमेन सेम, और डिफॉल्ट वैल्यू 10 ही रहेगी, द एरिया इज फिर कैलकुलेट होकर 20 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से ऑफकोर्स ऑल द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में भी ओवर रिडन, और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को ओवर रिडन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक नई टर्म आपको सीखने को मिल रही है, ओवर रिडन। ओवर रिडन क्या होता है, मतलब जो पहले से वैल्यू दी गई है उसके ऊपर दूसरी वैल्यू पास करते हैं तो वो उसको ओवर राइड कर देगा। इन द फंक्शन कॉल बिलो आर्ग्यूमेंट्स आर सप्लाइड फॉर द बोथ पैरामीटर, हालांकि हमने ऊपर प्रोटोटाइपिंग में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास किए हुए हैं, लेकिन फिर से अगर हम यहाँ पर दो पैरामीटर और पास कर देते हैं कॉल करते वक्त, तो ये दोनों पैरामीटर उनको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को क्या कर देंगे, ओवर राइडन कर देंगे। तो अब जो लेंथ जाएगी वो 12 जाएगी और जो विड्थ जाएगी 5.5 पास होगी, तो आउटपुट इसका आएगा 66, या आउटपुट विल बी द 66 हो जाएगा। इफ़ A function does not have a prototype, default argument may be specified in the function header. The show area function could be defined as the follows. यानी कि हम इसको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं प्रोटोटाइपिंग के दरमियान और डेफिनेशन के दरमियान, लेकिन ये उस वक्त एक्सेस किए जा सकेंगे जब आप फंक्शन को कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे। अगर आप कोई वैल्यू पास करेंगे तो फिर ये ओवरराइट हो जाएंगे, अगर आप यहाँ पे खाली छोड़ के उसको कॉल करेंगे तो फिर ये वाली वैल्यू पास हो जाएंगी। तो ये आपको ये बताना चाह रहा है, इफ़ ए फंक्शन डस हैव अ प्रोटोटाइपिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मे बी स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडर, ठीक है ना, और उसमें डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर फंक्शन, इफ़ फंक्शन डज नॉट हैव अ प्रोटोटाइप, अगर आपने फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग में आर्ग्यूमेंट नहीं बताया तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मे बी स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडर, फंक्शन के हेडर में भी उनको डिफ़ाइन किया जा सकता है। मतलब दोनों बात समझ लें, यानी कि प्रोटोटाइपिंग में भी डिफ़ाइन किया जा सकता है और हेडर में भी डिफ़ाइन किया जा सकता है। मतलब मेन फंक्शन से पहले भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बताए जा सकते हैं, अगर वहाँ नहीं बताए हैं तो जो मेन फंक्शन के बाद हम उसकी डेफिनेशन कर रहे होते हैं, ये डेफिनेशन वाला एरिया, वहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम बता सकते हैं, दोनों जगह पे बता सकते हैं, और विद नेम भी बता सकते हैं और विदाउट नेम भी बता सकते हैं, टाइप बताना मस्ट होगी, ठीक है, ये बात आपको जहन में होनी चाहिए। वार्निंग, ए फंक्शन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट शुड बी असाइन इन द अर्लीस्ट अक्यूरेंस ऑफ द फंक्शन नेम, यानी कि मतलब फंक्शन से फंक्शन नेम, दिस विल यूजुअली बी द फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, यानी कि जब आप फंक्शन को प्रोटोटाइप कर रहे होते हैं उधर ही इसके डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को बताया करें और यही इसकी प्रोटोटाइपिंग कहलाएगी। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम की एग्जांपल को देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक अपना मेन फंक्शन करके प्रोग्राम शुरू किया है, यूजिंग नेम स्पेस करके स्टैंडर्ड किया है और फंक्शन प्रोटोटाइपिंग डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ किया है। अब यहाँ पे एक फंक्शन को प्रोटोटाइप किया जा रहा है void के नाम से, जिसका नाम रखा है डिस्प्ले स्टार, और इसमें फिर इसके डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बताए गए। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इंटीजर मतलब ये इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट हैं, ये पहला आर्ग्यूमेंट है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट और ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और ये रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा क्योंकि void यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था पैरामीटर का नाम लिखें या ना लिखें, दोनों ऑप्शन हमारे पास है, इसने नाम लिखे हैं और लेकिन इसने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट एज अ कब डिफाइन किए, प्रोटोटाइपिंग में डिफ़ाइन की है, ठीक है। फिर मेन फंक्शन में आ गए, अब आइए मेन फंक्शन में आने से पहले हम यहाँ पर चलते हैं नीचे की तरफ, अब इस फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। अब इस डेफिनेशन में इसने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, यानी कि दो पैरामीटर डिक्लेयर किए हैं, लेकिन ये इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ये कॉल है और ये रो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर करके एक लूप चल रहा है इंटीजर डाउन, जिसकी वैल्यू ज़ीरो है, और डाउन लेस देन रोज तक जाएगा। अब रोज़ में जो वैल्यू आएगी वो ऊपर से आएगी, वो यहाँ से लेगा और यहाँ डाउन प्लस प्लस करेगा, तो जितनी वैल्यू रो में आएगी ये लूप उतनी बार चलेगा। जब ये लूप उतनी बार चलेगा तो यहाँ पर देखिए फोर का लूप चलेगा, ये लूप एक बार चलेगा और ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप कॉल्स के टाइम चलेगा। तो ये इस तरह के कुछ स्टार्स चलाने का मामला है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर नेस्टेड लूपिंग का इस्तेमाल किया गया है, ये लूप एक बार चलेगा और ये लूप उतनी बार चलेगा जो इसकी लिमिट होगी, और जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये स्टार को प्रोड्यूस करेगा, और फिर जब इसकी लिमिट पूरी हो जाएगी तो ये दोबारा से एक न्यू लाइन पर कंट्रोल देंगे, दोबारा मैन लूप पर चला जाएगा। अब ये कितनी बार चलेगा ये डिसाइड होगा यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है डिस्प्ले स्टार्स, तो डिस्प्ले स्टार्स को अगर डायरेक्ट हम सिर्फ इस तरह से कॉल करेंगे तो फर्स्ट टाइम में यहाँ पे ये 10 पास किसको करेगा, 10 पास करेगा ये इसको यहाँ पर कॉल्स को, और यहाँ पर वन पास किसको करेगा, वन पास करेगा रो को। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो मेन लूप है हमारा कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, और जबकि हमारा ये वाला लूप है क्रॉस वाला लूप जो है ये कितनी बार चलेगा, ये 10 टाइम्स चलेगा,
जीरो टू वन, जीरो टू टेन, ठीक है। तो इसके 10 दफ़ा ये 10 स्टार को प्रिंट कर देगा। तो पहला आउटपुट देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। सेकेंड टाइम जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर डिस्प्ले स्टार 5, तो यहाँ पर जो 5 पास हुआ है 5 डिफ़ॉल्ट इस वाले आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस कर देगा और इसको रिप्लेस नहीं करेगा, ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे नीचे की तरफ तो 5 पास हो जाएगा कॉल्स को और 1 दोबारा रो को पास होगा। तो दोबारा देखें हमारा जो ये वाला लूप है ये कितनी बार चलेगा, ये एक बार चलेगा और ये 5 दफ़ा चलेगा तो 5 स्टार को प्रोड्यूस करेगा और फिर यहाँ पर फंक्शन एंड हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर आउटपुट पर 5 स्टार्स आ रहे हैं। थर्ड टाइम में जब इस फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पर तो 7 और 3 दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, तो ये दोनों ही डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल 7 रिप्लेस कर देगा 10 को और 3 रिप्लेस कर देगा किसको, 1 को। तो अब जब यहाँ पे आएगी बात तो 7 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो पहला लूप हमारा कितनी बार चलेगा, अब होगा ये कि मेन लूप चलेगा हमारा 1 टाइम और ये लूप चलेगा कितनी बार, ऊपर देखिए कितने पास किए थे उसने 7, तो 7 टाइम में। तो फर्स्ट टाइम में ये 7 स्टार प्रोड्यूस करेगा, फिर सेकंड टाइम चलेगा तो भी ये 7 स्टार प्रोड्यूस करेगा, थर्ड टाइम चलेगा तब भी ये 7 स्टार प्रिंट करेगा। तो ये देखिए 3 बार ये परफॉर्म होगा फंक्शन और 3 दफ़ा ये 7 स्टार्स को इसने यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया है। 0 to 7 जाएंगे तो 8 टाइम्स परफॉर्म करेगा। तो ये इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की, जो इसने हमें इसको बना के समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ उसके बाद यहाँ पर देखिए इलीगल प्रोटोटाइपिंग क्या हो सकती है। इलीगल प्रोटोटाइपिंग ये हो सकती है वॉइड करके कह लिखें, इंटीजर ईएम लिखें, डबल आर्स लिखें, डबल प्राइवेट राइट लिखें, तो ये इलीगल प्रोटोटाइपिंग कहलाएगी। वॉइड कैल्प डबल आर्स फोर टाइम ये लीगल कहलाएगी। इसमें क्या खास बात है कि देखिए इसमें बता रहा है व्हेन फंक्शन यूज अ मिक्सचर ऑफ पैरामीटर विद द विदाउट डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। द पैरामीटर्स विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी डिफाइंड लास्ट, ठीक है। इन द कैलकुलेट फंक्शंस आर्स कुड नॉट बी हैव बीन डिक्लेयर्ड विद बोथ एंड अदर पैरामीटर, द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर इलीगल्स। अब ये कोई लीगल और इलीगल पैरामीटर के बारे में कोई डिस्कस कर रहा है, ठीक है।